आजकल लाइट का इशू बहुत ज्यादा बन रहा है, बच्चों की कुछ बच्चों की लाइट्स भी चली गई थी, लेकिन इसका सॉल्यूशन ये होता है कि आप उसके लिए कोई पॉसिबल उसके लिए कोई प्रिपरेशन कर लो, जैसे आप अपने आईपैड मोबाइल या आपका लैपटॉप है जिसके ऊपर एग्जाम दे रहे हो उसको चार्ज करके रखो, इंटरनेट अगर आपकी बिजली के साथ कनेक्टिविटी है तो उसको, अगर आपको कोई है कंफ्यूजन के शायद बिजली चली जाएगी तो अपना पैकेज डिफरेंट कर लो। तो ये कुछ चीजें होती हैं एग्जाम्स के अंदर ध्यान खुद रखना होता है, ठीक है, और ये प्रैक्टिस हुई है एक किस्म की आप लोग की, नेक्स्ट टाइम इस किस्म की प्रॉब्लम्स नहीं करनी है, ध्यान देना खुद है, ठीक हो गया। इसके अलावा ये कि हमने मिड से पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को, काफी पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने डिस्कस कर लिए थे एंड वी वर लेफ्ट विद, और हमने उनको काफी डिटेल भी किया है, एंड वी वर लेफ्ट विद द टू पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीचेस दैट विच आर कंजंक्शन एज वेल एज आर्टिकल्स, उनको फाइंड अप करेंगे। एंड एक और बात मैं आपको बता दूं कि आपका जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें जो फाइनल में हम फाइनल टर्म के लिए पढ़ेंगे वो सब तो ऐड होगा, बट जो आपका मिड होगा उसमें से 30% पेपर आपका फाइनल पेपर में ऐड होगा, ठीक है, तो वो हम एंड पे डिस्कस कर लेंगे कि क्या हमें ऐड करना चाहिए और क्या ऐड नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो उसको एंड पे देख लेंगे, लेकिन ये ध्यान में रखो कि 30% जो पेपर है वो आएगा। अच्छा, तो कंजंक्शन और आर्टिकल, आई वाज थिंकिंग कि हमने फ्रेजेस और क्लॉजेस को ब्रीफली डिस्कस किया है, एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज अ फ्रेज एंड व्हाट इज अ क्लॉज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो हमारे पास टाइम लिमिटेशन भी है, हमारे 6 वीक्स है हमारे पास बिफोर फाइनल एग्जाम, आप लोगों के फर्स्ट मार्च से फाइनल एग्जाम्स हैं तो उस टाइम लिमिटेशन भी है, तो मैं ये सोच रही थी कि हम फ्रेजेस और क्लॉजेस को, क्योंकि हम ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं, हम उसको ज्यादा डिटेल में नहीं चाहते हैं, ठीक है, ज्यादा डिटेल में चले गए तो हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो फिर स्किप हो जाएंगी, वो रह जाएंगी और मैं उनको स्किप नहीं करना चाहती, ठीक है, और फ्रेजेस और क्लॉजेस को हम यहाँ तक ही रखेंगे कि यू नो वेरी वेल व्हाट इज मेंट बाय दैट फ्रेज, हमने उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीचेस में नाउन फ्रेज हो गई हमने उसको डिस्कस कर लिया हुआ है, ठीक है, क्लॉजेस को भी सिमिलरली, एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज मेंट बाय बोथ द टर्म्स। फर्दर टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंजंक्शंस, हम इससे पहले प्रपोजिशंस पढ़ चुके थे बिफोर मिड्स, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंजंक्शंस, एंड मोस्ट ऑफ यू आई थिंक नो वेरी वेल व्हाट इज मेंट बाय कंजंक्शन, इज देयर एनीवन एनी ब्राइट स्टूडेंट हु इज गोइंग टू टेल मी व्हाट इज मेंट बाय कंजंक्शन? यस मनीबा बोलो, ज्वाइन पहले हैंड रेज करो फिर, पहले हैंड रेज करो फिर बोलो। जी मनीबा, मैम, इट ज्वाइन टू वर्ड्स आइडियाज फ्रेजेस टुगेदर एंड शोज हाउ दे आर कनेक्टेड, फॉर एग्जाम्पल एंड और बट बिकॉज दे आर वेरी गुड, कंजंक्शंस। वेरी गुड, इज अशरफ, Conjunctions are words joined to sentences such as between or. These are conjunctions. या दीज आर कंजंक्शंस, ओके हो गया। एक और बात बच्चे आपने जहन में रखनी है कि जब आपके जो क्लास के अंदर डिस्कस किया जाता है पेपर उसी में से आता है, पेपर बाहर से कुछ नहीं आता, ठीक है, बिल्कुल चीजों को क्रिटिकल करने की जरूरत नहीं होती है, कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, जो हमने क्लास में पढ़ा है पेपर में वही आएगा, ठीक है, तो क्लास में जो पढ़ा जा रहा है या जो टास्क आप लोगों को असाइन किए जा रहे हैं उसको अच्छे तरीके से कर लो, पेपर आपका हो जाता है, ठीक हो गया। तो वेरी गुड बोथ ऑफ यू हु टोल्ड मी व्हाट इज मेंट बाय द कंजंक्शन, एग्जैक्टली बच्चे हैंड लो कर लो। तो आपके कंजंक्शंस होते हैं, कंजंक्शन वी नो वेरी वेल जो कि कनेक्ट करते हैं, कनेक्शन क्रिएट करते हैं, एंड व्हाइल डिस्कसिंग द ग्रामर फैमिली वी आल्सो नोटिस दैट कंजंक्शंस आर, कंजंक्शन इज अ चीफ सर्वेंट ऑफ द फैमिली दैट हु बेसिकली कनेक्ट द होल ग्रामर फैमिली, कनेक्ट्स द होल ग्रामर फैमिली, एंड इफ यू आर नॉट हैविंग कंजंक्शन विद इन आवर राइटिंग, इन आवर राइटिंग रिटन एक्सप्रेशन, देन सेंस ऑफ द सेंटेंस विल नॉट इज नॉट गोइंग टू बी कंप्लीट। सो आपने कभी ट्रेन पे ट्रेवल किया? यस किस किस बच्चे हैं ट्रेन पे ट्रैवल मैम, एंड यू नो मैम, मुझे
मुझे सब व्हीकल्स में सबसे बेस्ट ट्रैवलिंग जो है वो ट्रेन पर लगती है, क्योंकि ट्रेन बहुत मजे की आप कह सकते हो उसके ऊपर एंजॉय कर सकता है बंदा, ना कार ना बस ना कोई और चीज नहीं, जितना आपको ट्रेन के ऊपर ट्रैवल करने का मजा आता है, आप एंजॉय करते हो, आप डिफरेंट सीनरीज देखते हो, नेचुरल ब्यूटी आप देखते हो। मोटरवे तो वही है जो नॉर्मल एक चल रही है, लेकिन जो है ना ट्रेन का सफर दैट इज द बेस्ट। अगर आपने नहीं किया तो वो लाजम कहीं ना कहीं ट्राई करना जिंदगी में, कहीं ना कहीं जाओ ट्रेन के ऊपर। तो जब आप ट्रेन पे ट्रैवल करते हैं तो डिफरेंट जंक्शन आते हैं, ऐसा होता है? यस मैम, यस मैम, है ना, डिफरेंट जंक्शन होते हैं, और उन जंक्शन का क्या रोल होता है? एक तो रेलवे स्टेशन होता है ना बड़ा, जैसे रावलपिंडी का, लाहौर का, कुछ स्मॉल जंक्शंस होते हैं, उन जंक्शंस का क्या रोल होता है? Is there anyone who will tell me? जंक्शंस कनेक्ट कर रहे हैं ना बेसिकली, जंक्शंस एक ट्रैक से लेके एक प्लेस से लेके दूसरी प्लेस तक वो कनेक्शन का रोल प्ले कर रहा है ना जंक्शन। इन द सिमिलर वे आपका जो कंजंक्शन है, कंजंक्शन उसका भी यही रोल है। जंक्शन जो है दैट इज यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट प्लेसेस। इन द सेम वे कंजंक्शन व्हिच इज अ पार्ट ऑफ स्पीच, कंजंक्शन रोल इज टू कनेक्ट, इज टू लिंक। सो इन दिस सेंस वी कैन से दैट कैन वी से दैट कंजंक्शन आर ऑल्सो आर कनेक्टर्स, कैन वी से दैट कंजंक्शन आर ऑल्सो कनेक्टर्स, इज इट सो? बेसिकली रोल क्या है? कंजंक्शन इज यूज टू कनेक्ट, कंजंक्शन इज यूज टू कनेक्ट टू वर्ड्स, टू क्लॉजेस, टू फ्रेजेस और टू सेंटेंसेस। So, इसका रोल ही क्या है? कनेक्शन का रोल। जब हम इसकी बेसिक डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो कंजंक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट कनेक्ट्स टू वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस और सेंटेंसेस टुगेदर। ठीक है, लेट्स कंसीडर वन एग्जांपल दैट इज वेरी वेरी इजीएस्ट एग्जांपल। अब्दुल रहमान एंड अब्दुल वहीद आर गुड फ्रेंड्स। Abdul Rahman and Abdul Wahid are very good friends. Is there any conjunction within a statement? Yes, ma'am. Marwa? Yes, ma'am. अब जो hand raise नहीं करेगा ना, मैंने उसको class से बाहर निकाल दूँ। Ma'am, and is hand raise करो फिर बोलो। And is a conjunction. And is what? Conjunction. And is a conjunction. Okay. Abdul Wahid? Yes, ma'am. And is a conjunction. And is connecting what? Abdul Rahman and Abdul Wahid ko. Abdul Rahman and Abdul Wahid ko, and they are two words, theek hai? And they are two words, and inko connect kar raha. And is a conjunction here, which is connecting. It's very simple. So humne ye ek example dekhi ki two words ka connectivity kis tarah se hoti hai. Let's consider another example, quite tricky to the previous one. The key of my car is on the table or in the cupboard. The key of my car is on the table or in the cupboard. Aruj? Ma'am, isme is or hai. Is kya hai yahan pe? Ma'am, conjunction. Is conjunction hai, Aruj? Yes, ma'am. Aruj? Yes, ma'am. Aruj, कितने मार्क्स आए हैं? कितने मार्क्स आए हैं? मैम 15. मैम लेट आई थी मैं क्लास में, हम लोग एस टू से, यस मैम, हम एस टू से एस वन में आए थे तो हमारा सिलेबस कवर ही नहीं था। बच्चे इस जो है इस कंजंक्शन नहीं है, इस कंजंक्शन यहाँ पे नहीं है। द की ऑफ माय कार कंजंक्शन का रोल क्या है? ठीक है, दोबारा ध्यान से सुनो, कंजंक्शन का रोल ये है कि उसने कनेक्ट करना है। डू यू थिंक दैट इज हियर is connecting? Connection तो नहीं, वो connect तो नहीं कर रहा ना? Think about it कि इस sentence में, think about it, इसका register के ऊपर ये statement दोबारा लिखो sentence. The key of my car is on the table or in the cupboard. And then think that which
word is connecting here. Bakhtavar? Yes, ma'am. मैम इसमें जो और है ना, मैम इसमें जो और है ना वो कंजक्शन है, क्योंकि दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है, और जो इज है ना मैम वो प्रेपोजिशन है. अच्छा पहले मुझे ये बताओ, इसको छोड़ो, इसको हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे. द की ऑफ माय कार इज ऑन द टेबल और इन द कबर्ड. यहाँ पे दो सेंटेंसेस कनेक्ट हो रहे हैं. यस मैम, दो सेंटेंसेस कनेक्ट हुए हैं और आर जो है वो कंजक्शन है. दोबारा सोच लो. हाँ बेटा ठीक हो गया. और जहाँ पे कंजक्शन है दोबारा सोच लो कि यहाँ पे दो सेंटेंसेस कनेक्ट हो रहे हैं. दो सेंटेंसेस कनेक्ट हो रहे हैं. नो मैम, एक ही सेंटेंस है ये. दो फ्रेजेस हो रहे हैं. एक सेंटेंस है ना. यस मैम, एक ही सेंटेंस है. एग्जैक्टली यहाँ पे फ्रेज क्या होता है बच्चे? मैम फ्रेज वो दो इंडिपेंडेंट होते हैं. और जो है वो कंजक्शन है और दूसरा फ्रेज है इन द कपर. की ऑफ माई कार इज ऑन द टेबल और इन द कपर्ड. डू यू थिंक दैट इन दिस स्टेटमेंट वी हैव जस्ट वन फ्रेज? मैम द की ऑफ माय कार इज ऑन द टेबल, ये तो मैम एक कंप्लीट सेंटेंस है. और इसे ज्वाइन कर रहे हैं और इन द कपबोर्ड के साथ, एक फ्रेज के साथ. और व्हाट अबाउट ऑन द टेबल? व्हाट अबाउट ऑन द टेबल? मैम ऑन द टेबल किरण, मैम आर इज अ कंजक्शन और ये दोनों ये क्लासेस को आपस में ज्वाइन कर रहा है, जो कि दूसरा डिपेंडेंट क्लासेस है वो पहले इंडिपेंडेंट. किरण क्लॉज क्या होता है? मैम ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैव प्रीपोजिशन वर्ब एंड सब्जेक्ट एंड विद इन दिस स्टेटमेंट व्हिच यू आर रेफरिंग टू एज अ क्लॉज. तो बताओ इसमें वर्ब है ऑन द टेबल और इन द कबर्ड में? नो मैम. तो फिर ये हुआ क्लॉज हुआ मैम, फिर फ्रेजेस हो गया ना. फ्रेज हुआ ना, फ्रेज हुआ, क्लॉज नहीं हुआ. दोनों में जमीन आसमान का फर्क है. ठीक है. द की ऑफ माय कार इज ऑन द टेबल और इन द कबर्ड. हैंड ओवर कर लो सब अपने. द की ऑफ माई कार इज ऑन द टेबल और इन द कबर्ड और हेयर इज अ कंजंक्शन हेयर विच इज कनेक्टिंग टू फ्रेजेज हेयर. ऑन द टेबल एज वेल एज इन द कबर्ड दे बोथ आर फ्रेजेज हेयर. दे बोथ आर फ्रेजेज ऑन द टेबल एंड इन द कबर्ड दे बोथ आर द फ्रेजेज. And or which is a conjunction is joining these both phrases. Is it clear to you everybody? Yes ma'am. Yes ma'am. Previously, yes ma'am. Okay. So previously we have seen that two words were joined together by using the conjunction and. Further, in this example, the key of my car is on the table or in the cupboard. This is quite different from the previous one in which. Two phrases, we have connect two phrases by using the conjunction or. Theek ho gaya? By moving further, this example is quite more tricky to the previous two examples. Okay. Though she studied hard, she could not get first position. Though she studied hard, she could not get first position. Who is going to explain this one? Is there any conjunction within this statement? Ma'am, please repeat the example. You can write it down on your registers. Though she studied hard, comma, she could not get first position. Wait for a while. Bilal Hassan. Bilal Hassan,
व्हाट्स योर रोल नंबर? बिलाल हसन? Bilal Hassan, if you will not reply to me, then I will remove you from the class. Write down your roll number. Tell me your roll number. Bilal Hassan. Hurry up, write down your roll number. Okay, though she studied hard, comma, she could not get first position. Nurul Huda. Yes, ma'am. Bilal Hassan, mute yourself and write down your roll number. Mute yourself. Ma'am, though is a conjunction. It joins two clauses. Though is a conjunction. How though is a conjunction? Hurry up. Ma'am, though she studied hard, she could not get the position. Ma'am, ye. Though is a conjunction. Though is a conjunction, which means despite the fact. ठीक है, यहाँ पे एक defect के effect discuss की है and further description is. Despite this fact, Jamila Zafar. Ma'am, though is conjunction. How? Explain it. Ma'am, क्योंकि ये दो sentence को link कर रहा है. दो clauses को link कर रहा है. दो is word. दो हमने यहाँ पे यूज किया, ठीक हो गया. दो हमने यहाँ पे यूज किया जिसका मीनिंग होता है डिस्पाइट द फैक्ट, अगरचे. ठीक है, दो शी स्टडीड हार्ड. नाउ हियर डू यू थिंक दैट वी हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब? यू कैन स्पीक इट विदाउट रेजिंग योर हैंड. यस, दो शी स्टडीड हार्ड, हियर वी हैव अ सब्जेक्ट एंड द वर्ब, सो इट means that this one is a clause. She could not get first position. This one is also a clause. And though is word. Though is giving you some sense within the statement. She studied hard. She could not get first position. It's quite plain statement. But while using though, it is giving some more clarity within this example. Okay? So though is also a conjunction. So important point here is that you can, it doesn't mean that conjunction must come between two sentences, phrases or clauses, but you can also use conjunction in the beginning, or you can say at the front of the sentence. Okay, so in this way, this was the brief introduction. You can say this was the introduction of a conjunction. What is meant by a conjunction? That is used to connect two sentences, two phrases, two clauses, or two sentences. And it's quite simple and it's quite easy one. Haan ji, Sabha Parveen, do you want to say something? Sabha Parveen? Yes, ma'am. Ma'am, though is a conjunction, it is joining two clauses. हो गया. अभी तक समझ आ गई है what is meant by conjunction? Yes, ma'am. सबको? Yes, ma'am. आपको नहीं लग रहा कि ये कनेक्ट कर रहा? मैम, दो का मीनिंग क्या होता है? Despite the fact. Despite the fact, what is meant by despite the fact? जी मैम. अब ये statement देखो. She studied hard, comma, she could not get first position. It's a plain statement, but आप can you say that इसमें contrast है इन दोनों statement में? नहीं मैम.
she studied hard, she could not get first position. Hard तो उसने study किया, ठीक है, उसने work hard किया, but उसकी first position नहीं आई, ठीक है? तो do you can you say that इस statement के अंदर आपके contrasting elements हैं? Yes ma'am. है ना? तो दो क्या क्या मतलब, दो क्या किस चीज को refer कर रहा है? कि ये दोनों contrast हैं आपस में, वो इन दोनों को connect कर रहा है. हाँ. Despite the fact, ठीक है, fact भी उसने discuss किया. Fact क्या है? She studied hard. ये fact है, ठीक है? Though she studied hard, she could not get first position. ठीक है, तो ये इसने connection तो एक connection तो connect तो किया है ना two sentences को. समझ आई? जी मैम. ठीक हो गया. moving further by moving towards some more description regarding the conjunction, there are three types of conjunctions. There are three basic types of conjunctions and they are quite very easy. The very first one is kaan dimag khol ke sunna, theek hai, aur okay, the very first one is coordinating conjunction. Coordinating, coordinating coordinating conjunction, and we know very well conjunction का क्या role है क्योंकि वो connect कर रहा है. And then we have coordinating conjunction. आपके department में coordinator है? Yes ma'am. Yes ma'am. क्या role है coordinator का? मैम हमें बातें बताते हैं. बातें बताते हैं. कौन सी बातें बताते हैं? दरवाजा बंद कर दे. ये बता. मैम चेक एंड बैलेंस. और क्या करते हैं वो? मैम सेम मतलब कि जैसे अब टीचर सेम होती हैं तो इसकी सेम सब्जेक्ट की टीचर्स के कोऑर्डिनेटर होता है, वो हेल्प आउट करते हैं उनको मतलब इसी चीज के लिए यूज होता है. ठीक हो गया. फैसिलिटेट करते हैं ऐसा ही है ना. एक एग्जाम कोऑर्डिनेटर होते हैं, एक डिसिप्लिन कोऑर्डिनेटर होते हैं. तो कोऑर्डिनेटर का बेसिकली जो फंक्शन है वो फैसिलिटेट करना है, ठीक है, जो कोऑर्डिनेटर है डिपार्टमेंट के. सो इन द सेम फैसिलिटेट करना उनका एक बेसिक फंक्शन होता है. सो इन द सेम वे व्हाइल टॉकिंग अबाउट दिस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज यूज्ड विद इन द सेंटेंस और विद इन योर एनी एग्जांपल इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट the sentence. Facilitation means to say it gives more understanding to your sentence, theek hai. And while discussing about this coordinating conjunction, we can say the basic definition of this coordinating conjunction is that the coordinating conjunction develop coordination between phrases, clauses or sentences. It basically develop coordination between phrases, clauses or sentences. ठीक हो गया. सो देयर आर सेवन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. एंड हैव यू हर्ड द वर्ड एक्रोनिम बिफोर? यस मैम. द वर्ड एक्रोनिम, व्हाट इज मेंट बाय एक्रोनिम? मैम व्हाट इज मेंट बाय एक्रोनिम? मैम इसके लिए कंजंक्शन के लिए फैन बॉय यूज होता है ना? एग्जैक्टली, फैन बॉयज यूज होता है. लेकिन एक्रोनिम क्या होता है पहले मुझे ये बताओ. एक्रोनिम मैं बताती हूँ. एक्रोनिम होता है, आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी है? यस मैम. पीरियोडिक टेबल भी पढ़ा होगा? यस मैम. यस मैम. है ना? और वो काफी दिमाग खाता था. और वो काफी दिमाग खाता था, उसको याद करना पड़ता था. यस मैम. यस मैम. तो जब हमने उसको याद करना होता था तो हम जितने भी उसके जो उसके फॉर्मूला था या जो भी उसका निक नेम होता था उसको हम उन सब वर्ड्स को एक लाइन के अंदर है हॉरिजॉन्टल वे में है तो हम उन सब को एक याद कर लेते थे, एक नेम क्रिएट कर देते थे हम उन सब का. यस मैम. याद करना होता था ना, याद करना होता था, पेपर देना होता था, है ना, नंबर लेने होते थे. तो हम उन सबको ज्वाइन करके याद कर लेते थे और हमें ज़्यादा इजी वे में याद भी रहते थे. ठीक है. अच्छा, कुछ एक्रोनिम होता है. एक्रोनिम होता है जब हम एक वर्ड
abbreviation है, north east west south. वो acronym बनता है news, जो कि हम use करते हैं कि new ये हुआ. मैम आवाज नहीं आ रही. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. अच्छा मैं दरवाजा खोल दो मैं रुकूं. अब आई आवाज? यस मैम. यस मैम. आई वाज डिस्कसिंग एक्रोनिम. एक्रोनिम होता है जब आप कोई लेंथी स्टेटमेंट का कोई आपने एक नया वर्ड क्रिएट करना हो तो आप उनका फर्स्ट जो वर्ड्स अल्फाबेट होंगे उनको ज्वाइन करके एक नया देते. इन द सेम वे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हमारे पास एक एक्रोनिम है, दैट इज फैन बॉयज. फैन बॉयज एफ ए एन BOYS, fan boys. हमारे coordinating conjunction होंगे, वो in alphabet से start हो रहे होंगे, जैसे F से start होगा, A से start होगा, N से start होगा. So let's discuss them one by one. The very first coordinating conjunction is for. The very first coordinating conjunction is for. And for हम तब use करते हैं जब हम किसी चीज की reason discuss कर रहे हो. अब आइए. यस मैम. यस मैम. यस मैम. ठीक हो गया. तो फॉर जो आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, द वेरी फर्स्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज फॉर. एंड फॉर आप यूज करते हैं व्हेन यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन एनी रीजन और व्हेन यू एक्सप्लेन एनी पर्पस, एंड देन यू विल यूज फॉर. फॉर का जो हम मीनिंग यूज फॉर के सेंस में यूज करेंगे बिकॉज. जब आप किसी चीज के रीजन को डिस्कस कर रहे होते तो बिकॉज यूज करते हैं ना. बट जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आप यूज करेंगे वो फॉर यूज करेंगे, जिसका मीनिंग होगा बिकॉज के सेंस में, व्हाइल डिस्क्राइबिंग एनी रीजन और द पर्पस. लेट मी गिव यू एनी एग्जांपल एंड देन वन ऑफ यू विल एक्सप्लेन मी. मैंने आपको ये बता दिया फॉर हम यूज करेंगे एज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन व्हाइल डिस्क्राइबिंग एनी रीजन और एनी पर्पस. ओके लिसन टू दिस एग्जांपल प्रॉपर्ली. आई हैव टू फाइंड अ जॉब. For I am an unemployed person. I have to find a job. For I am an unemployed person. Who is going to explain this one? जी जमीला. मैम इसमें for conjunction है और I have to find. Explain करो इस example को. मैम इसमें reason ये है कि because I am for. मैम इसमें रीजन ये है कि आई एम अनएम्प्लॉयड. ओके आई हैव टू फाइंड अ जॉब, दैट इज अ फैक्ट. रीजन क्या है? फॉर आई एम एन अनएम्प्लॉयड पर्सन. रजिया. Okay, so I was on the point for I have to find a job. Is my voice clear to everybody? Yes, yes ma'am. Yes, ma'am. That's good. I have to find a job for I am an unemployed person. Jasmina Nisar. Yes, ma'am. Explain this example. मैम इसमें फॉर
और जो है वो इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जॉइन कर रहा है. आई हैव टू फाइंड अ जॉब. ये फैक्ट है कि मेरे पास जॉब नहीं है और इसको वो रीजन क्या बता रहा है कि मैं आई एम एन अनएम्प्लॉयड पर्सन. एग्जैक्टली. तो फोर जो है वो हमने यहाँ पे रीजन की सेंस में यूज किया. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी हियर? यस मैम. हो गया ये? यस मैम. ओके. The next coordinating conjunction from the fanboys is the next L part is A, and the very very common coordinating conjunction is AND. Who is going to tell me hum AND kab use karte hain? Muniba? Ma'am, for the purpose of addition. Very good. For the purpose of addition hum AND use karte hain jab hum koi cheez add kar rahe ho. ठीक है, जब हम एंड यूज करते हैं हम ये नॉर्मल कॉमन एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जिसको हम अपनी जो स्पीच और रिटन एक्सप्रेशन में हम यूज करते हैं. ठीक है. एंड एंड हियर वी कैन मेक मेनी मेनी एग्जांपल ऑफ दिस बाय यूजिंग दिस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. एंड अमीर हमजा give me an example by using AND. It's very simple and easy one. Example ma'am, iski? Ji. Ek ma'am, ma'am, datam. Hurry up. Me and my friend going to Lahore ma'am. आपने एंड यूज किया इधर? जी मैम. मी एंड माय फ्रेंड आर गोइंग मी एंड माय फ्रेंड्स आर गोइंग टू लाहौर. एंड आपने यहाँ पे यूज किया इन ऑर्डर टू जॉइन टू वर्ड्स. ठीक हो गया. एंड इज व्हाट? एंड इज वेरी सिंपल कोऑर्डिनेट. आप उसको एक्शन के सेंस में यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल, आई टेक मिल्क एंड शुगर इन माय टी. हियर आई यूज एंड जो के एडिशन इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइड कर रहा है कि मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही. किसी को भी नहीं आ रही. नो मैम. यस मैम, क्लियर नहीं आ रही. मैम क्लियर नहीं है. दो मिनट रुक जाओ. मैम आ रही है. अब आइए. आ रही है मैम. यस मैम. जी मैम. यस मैम, अब आ रही है. ठीक हो गया. तो आई टेक मिल्क एंड शुगर इन माय टी. I have discussed here. I take milk and further additional information. क्या मैंने बताई है? And sugar in my tea. So it's very simple and easy to use coordinating conjunction. That is and. Further among this fan boys, the next coordinating conjunction is the next alphabet is N. And N stands for nor. N stands for nor. ठीक है? हम nor use करते हैं as a coordinating conjunction. And nor हम तब use नॉर हम तब यूज करते हैं व्हेन जब हम कोई अल्टरनेटिव आइडिया प्रेजेंट कर रहे हो. जब हम कोई अपनी स्टेटमेंट में अल्टरनेटिव आइडिया प्रोवाइड कर रहे हो टू द ऑलरेडी एग्जिस्टेड टू द ऑलरेडी स्टेटेड नेगेटिव वन. ठीक है. तो नॉर हम तब यूज करते हैं जब हम कंट्रास्टिंग सी स्टेटमेंट्स को डिस्कस कर रहे हो, नेगेटिव स्टेटमेंट को डिस्कस कर रहे हो, तब हम नॉर यूज करते हैं. मैं एग्जांपल के तौर पे भी आपको समझाती हूँ. इसकी एक बेसिक सी डेफिनेशन याद रखो. हम नॉर कब यूज करते हैं? नॉर, नाइदर नॉर इज डिफरेंट थिंग. ठीक है. अभी सिर्फ नॉर की बात. नॉर इज यूज टू प्रेजेंट एन अल्टरनेटिव आइडिया टू द ऑलरेडी यू कैन से टू द ऑलरेडी स्टेटेड नेगेटिव आइडिया. ठीक है. आपकी जो आप नॉर यूज करेंगे जब आप दो स्टेटमेंट्स को डिस्कस करने लगे हैं. ठीक है. और क्लॉजेस को डिस्कस करने लगे हैं. ठीक है. और उसमें आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी तो द ऑलरेडी स्टेटेड नेगेटिव आइडिया बोला ना, तो ऑलरेडी स्टेटेड नेगेटिव आइडिया मीन्स टू से आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा वो नेगेटिव होगा. ठीक है. फिर आप नॉर यूज करेंगे जो कि उससे फिर आप उसका एक अल्टरनेटिव आइडिया प्रेजेंट कर रहे होंगे. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स कंसिडर एन एग्जाम्पल, देन आपको समझ आएगी. Aksa does not like apples. Aksa does not like apples, comma, nor does she like bananas. Nor does
does she like bananas. Aksar does not like apples, nor does she like bananas. Here, in this example, in this statement, you have the very first statement is what? Where the first statement is a negative one, na? जैसे मैंने आप लोगों को डेफिनेशन का बताया है, एक आप जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी वो नेगेटिव आइडिया होगा. अक्सर डज नॉट लाइक एप्पल्स, दैट इज अ नेगेटिव वन. ठीक है, अब आपने एक अल्टरनेटिव आइडिया इसका प्रेजेंट करना है. ठीक है, जो कि स्टिल नेगेटिव ही होगा, बट दैट विल बी एन अल्टरनेटिव वन. नॉट डज शी लाइक बनानास. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम. यस मैम. मैम आप नॉर यूज करते हैं, नॉर यूज करते हैं यूज टू प्रेजेंट एन अल्टरनेटिव आइडिया टू द ऑलरेडी एग्जिस्टेड नेगेटिव आइडिया, तब आप नॉर यूज करते हैं. और अभी तो मैं आप लोगों से एग्जांपल्स नहीं बनवा रही हूँ, आप लोगों को ये मैं होम टास्क दूंगी. आप जितने भी कंजंक्शंस होंगी, जब इनको डिटेल में हम पढ़ लेंगे, तो आप इनकी एग्जांपल्स बना बना के एज एन असाइनमेंट मुझे फॉरवर्ड करेंगे. ठीक है, जी आर को फॉरवर्ड करेंगे, एन सी आर को फॉरवर्ड करेंगे, and then aapke GSTM mujhe forward kar denge. Okay, among the fan boys, the next coordinating conjunction that next alphabet is B. The next alphabet is B. Who is going to tell me B stands for what? Because. B stands for? Because. But. B stands for but. Because humne discuss kar liya wo reason ki sense mein. बट आ जाता है फैन बॉयज से. बी स्टैंड फॉर बट, एंड बट हम कब यूज करते हैं? ये जट एंड बट की बात नहीं हो रही, ये ग्रामर वाले बट की बात हो रही है. बट हम कब यूज करते हैं? मनीबा मैम, इन द सेंस ऑफ हाउएवर. ओके, हाउएवर. हाउएवर हम कब यूज करते हैं? Ma'am, when we... Maria? You're right. One minute. Maria? Ma'am, it is your create. Yes, ma'am. Bolo. Ma'am, it is yours to create a contrast between two clauses or sentences. Exactly. Good ho gaya. तो आप जब बट यूज करते हैं जब आप कोई कंट्रास्ट शो करा रहे होते हैं. ठीक है, जब आप कंट्रास्ट प्रेजेंट कर रहे होते हैं बिटवीन टू थिंग्स, आप बट यूज करते हैं. एंड हाउ एवर भी इसी सेंस में यूज होता है ना. ठीक है, हाउ एवर भी इसी सेंस में यूज होता है. एंड बट आप यूज करते हैं एज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन विद इन योर स्टेटमेंट्स इन ऑर्डर टू शो द कंट्रास्ट. लेट मी गिव यू वन एग्जांपल. इट्स वेरी कॉमन, ये सब करना चाहते हैं. ऑल द फ्रेंड्स वॉन्टेड टू ईट पिज्जा बट नो वन वॉन्टेड टू स्पेंड मनी. ऑल द फ्रेंड्स, and one of you will explain me this one. All the friends wanted to eat pizza, no one wanted to spend money. Bilal Ahmed. Yes ma'am. Bilal Ahmed, explain this one. Ma'am, kindly repeat kijiye. Bilal Ahmed, hurry up. All the friends wanted to eat pizza, but no one wanted to spend money. Ma'am, इसमें बट यानी कंट्रास्ट पैदा करने के लिए ये इस्तेमाल हो रहा है. पिज्जा तो सब खाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए पैसे कोई नहीं खर्चना चाहता. ठीक हो गया, लेकिन बट कंट्रास्ट पैदा नहीं करना हमने यहाँ पे, कंट्रास्ट को शो करना है. ठीक है. All the friends wanted to eat pizza, but no one wanted to spend money. Here we have contrasting statement. Contrast present हो रहा है. ठीक है, then आप but use करते हैं. एक और बात बच्चे आप लोग ज़हन में रखो, paper में क्या आप लोग आप जो paper जब आप करते हैं और marks थोड़े आते हैं, उसकी एक reason ये भी होती है. Mute yourself, सिबगा ज़ाहिद and बिलाल अहमद. उसकी एक reason ये भी होती है कि आप बच्चे क्लास के अंदर प्रेजेंस तो अपनी शो करा रहे होते हैं, लेकिन वो फिजिकली अपना नेम तो शो रहा है, लेकिन वो मेंटली प्रेजेंट नहीं होते हैं. ठीक है, ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, जिसका नुकसान क्या होता है, पेपर के अंदर होता है, मार्क्स नहीं आते हैं. ठीक है, तो एक गलती से सबक सीख लो. ठीक है, बार बार गलती दोहराने वाला बेवकूफ कर ले, और एक दफा सबक जो सीख लेता है वो आगे से अपना ही फायदा कर रहा होता है, किसी और का नहीं कर रहा होता है. इसलिए क्लास में ध्यान से बैठा करो.
समझ आ गई बट की इट्स वेरी सिंपल एंड इज वन. मूविंग फर्दर देन वी हैव द नेक्स्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अमंग द फैन बॉयज. द नेक्स्ट अल्फाबेट इज और. हु इज गोइंग टू टेल मी और स्टैंड्स फॉर? O stands for or हम कभी यूज करते हैं और हम कब यूज करते हैं? For options. Possibility. For options. Suggestion. Okay. Mm-hmm. Okay. जब आप लोग पेपर देते थे यूनिवर्सिटी में आने से पहले, यूनिवर्सिटी में आने से पहले पिछले जमाने की बात है, जब आप लोग कॉलेज में पेपर देते थे पुराने जमाने में, पिछले जमाना तो गुजर गया है ना, तो तब आप लोगों की चॉइसेस आती थी ना पेपर में. इस तरह का तो पेपर नहीं होता जैसे अब होते हैं. यस मैम. यस मैम. ठीक है. यस मैम. पेपर में चॉइसेस आती होती थी, पेपर में चॉइसेस आती होती थी, आती थी ना. और क्वेश्चन पेपर में जब चॉइस होती थी तो फिर और यूज किया होता था. यस मैम. और दिया होता था और का मीनिंग होता था चॉइसेस. ठीक है. चॉइस दी होती थी, दैट्स व्हाई और यूज होता था. ठीक है. लेकिन अब तो आप बड़े बच्चे हो गए हो, बड़े बच्चे जब हो जाते हैं यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं तो फिर चॉइसेस नहीं आती है. ठीक है. चाहे आपके ऑनलाइन पेपर हो, चाहे जिस किस्म के पेपर हो, फिर चॉइसेस नहीं आती है. ठीक है. तो यूनिवर्सिटी में इस किस्म का काम नहीं होता, कॉलेज स्कूल्स में ये काम होते हैं. तो और जब क्वेश्चन पेपर के अंदर होता है तो वो चॉइस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. ठीक है. व्हेन यू हैव चॉइसेस, फॉर एग्जांपल coordinating conjunctions are called connectors or linkers. Coordinating conjunctions are called connectors or linkers. Who is going to explain this one? Ma'am, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही. आप बताओ. Is Ashraf? Ma'am, coordinating conjunctions को हम linkers भी कहते हैं और connectors भी कहते हैं और कई मतलब. ठीक है. और यहाँ पे हमने यूज किया और हमारे पास क्या है, हमारे पास choices हैं. ठीक है. That's why we have used or as a coordinating conjunction. और का meaning हम either भी होता है, either भी उसी sense में use होता है ना. So or is coordinating conjunction. Then we have the next alphabet, that is Y. Who is going to tell me Y stands for what? Yet. And what is meant by this yet? Yet. What is meant by yet? Up till now. Or koi? Any other student who wants to tell me that yet? What is meant by this yet? Maiba? Ma'am, it is used in the sense of but. Exactly. Very good. Yet आप use करते हैं in the sense of but within your as a coordinating conjunction within your statement. We can say that yet introduces a contrasting idea. Yet introduces a contrasting idea within your statement that follows the preceding idea logically. So means to say that preceded the that follows the preceding idea logically. अब इसने follow करना है preceding idea को, तो it means to say yet हम use कर रहे होंगे. जब हम अपनी second statement को discuss कर रहे होंगे, then हम yet use करेंगे जो कि आपकी जो first statement होगी उसको logically precede कर रहा होगा. ठीक है. Yet introduces a contrasting idea. Contrasting idea, ये बात ज़हन में रखनी है. Contrasting idea होगा that follows the preceding idea logically. जो first statement होगी उसको logically contrast में present कर रहा होगा. ठीक है. Then हम yet use करते हैं. ठीक है. Let me give you example and then any one of you will tell me. Okay. The weather is cold. The weather is cold, yet bright and sunny. ये आज का वेदर भी ऐसा ही है. आज के वेदर को ही देख के बताया. The weather is cold yet bright and sunny. Who is going to tell me this one? Nosheen. Nosheen.
Roshin, can you hear me? Yes, ma'am. जी जी बताओ मैम जी जो येट है मैम जी जो येट है वो कंस्ट्रक्टिंग आइडिया यानी कि जो पहले भी मजीद फर्दर एक्सप्लेनेशन दे रहे द वेदर इज कोल्ड ये इसकी यानी कि कॉज है और इफेक्ट बता रहे ब्राइट एंड सनी है वो उसका द वेदर इज कोल्ड येट ब्राइट एंड सनी यहां पे हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ठीक है इसको लॉजिकली कंट्रास्ट कौन से उसको लॉजिकली कंट्रास्ट आगे से स्टेटमेंट क्या है येट ब्राइट एंड सनी ठीक है ये कंट्रास्ट है ठीक है फ्रॉम द फर्स्ट स्टेटमेंट द वेदर इज कोल्ड दैट इज अ स्टेटमेंट एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज येट ब्राइट एंड सनी दैट इज अ कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट लॉजिकली ठीक है आज का वेदर हमारा जो है ना द वेदर इज कोल्ड इट्स विंटर सीजन दैट्स व्हाई द वेदर इज कोल्ड येट ब्राइट एंड सनी इट्स आल्सो ब्राइट एज वेल इट्स आल्सो सनी टुडे सो this statement is what this is giving you the sense of but here Bakhtawar do you want to say something mam isse ke bare mein batana tha the weather is cold yet bright and sunny theek ho gaya theek ho gaya so let's move forward then we have the next alphabet from the fanboys which one is the last alpha which one is the last coordinating conjunction that is s S stands for what? So. And what is meant by so? इसलिए. What is? Reason. Only. Reason. Very good. Therefore, very good. So आप use करते हैं. So आप use करते हैं जब आप कोई consequence को discuss कर रहे होते हैं. ठीक है? या आप किसी कोई रिजल्ट डिस्कस कर रहे होते हैं किसी चीज का देन आप सो यूज करते हैं एज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ठीक हो गया मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही अच्छा एक मिनट रुक जाओ अब बताओ आई है मैम आ रही है यस मैम आ रही है ठीक है यस मैम लेट मी गिव यू एन एग्जांपल फ्रॉम द सो जिसको हम देयर Arifa is a good student. All teachers like her. Who's going to explain this one? Arifa is a good student, so all the teachers like her. Noman Shafkat. Noman. जी मैम वो रिपीट करें क्वेश्चन प्लीज रिपीट करें अरिबा इज अ गुड स्टूडेंट सो ऑल द टीचर्स लाइक हर अरिबा गुड स्टूडेंट सो ऑल द टीचर्स लाइक हर दिस वन इज अ व्हाट इज अ कंजंक्शन हियर व्हाट टाइप ऑफ कंजंक्शन सो इज अ कंजंक्शन हियर व्हिच जी बोलो It tells about Ariba. Ariba is a good student. That's why, therefore, all people like him. His teacher, her teacher. That's why. All teachers like her. So, वो एक एक why teachers like. आवाज नहीं आ रही है. आवाज नहीं आ रही. No, ma'am, आवाज नहीं आ रही. एक मिनट रुको. आवाज ठीक हो गया सो हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस देख लिए जो कि 7 है फैन बॉयज इसका एक्रोनिम है एफ स्टैंड्स फॉर जो कि हम बिकॉज के सेंस में लेते हैं ए स्टैंड्स फॉर एंड जो एडिशन के सेंस में यूज करते हैं एन स्टैंड्स फॉर नॉर जो कि हम लेते हैं एज इन ऑर्डर टू प्रेजेंट एनी अल्टरनेटिव आइडिया
to the already existing negative one. Then B, B stands for but. Contrast करने के लिए use करते हैं. O stands for all. जो choice present करते हैं. R stands for yet. जो के sense में use करते हैं. And S stands for so. जो के हम their sentence में use करते हैं. इसकी एक एक example बना के आप लोग मुझे send करेंगे as an assignment. So up till now, is it clear to you everybody regarding the coordinating conjunctions? Yes, ma'am. Last one is so. आप यूज करते हैं कोई रिजल्ट डिस्कस करने के लिए या कोई कंसिक्वेंस प्रेजेंट करने के लिए आप सो यूज करते हैं. और किस सेंस में आप फॉर एग्जांपल आई वांट टू ईट माय लंच सो आई एम ब्रशिंग माय टीथ. I want to eat my lunch, so I am brushing my teeth. Why you are brushing your teeth? तो यहाँ पे आप so use कर रहे हैं in order to present the reason, because you want to eat your lunch. Is it clear? तो so आप use करते हैं जब आप कोई reason discuss कर रहे होते हैं. जब आप कोई reason discuss कर रहे होते हैं, तब आप so use करते हैं. Therefore की sense में, ठीक है? Move further. क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू. जब हम पिछले जमाने में बेड्स के जमाने में हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पढ़ी थी कुछ थोड़ी थोड़ी. यस मैम. क्या पढ़ा था उसके बारे में? उस जमाने में हमने क्या पढ़ा था इसके बारे में? मैम सोर्स में पढ़ा था. जमाना गुजर गया. क्या पढ़ा था इसके बारे में? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में हमने क्या पढ़ा था? हम दो क्लासेस को आपस में ज्वाइन करने के लिए वो ज्वाइन टू क्लासेस एंड फ्रेजेस. बेटा फॉर एग्जांपल आप बोल रहा हो, एक बोल रहा हो ना बोले. किरण बोलो. एक बोल रहा हो तो दूसरा ना बोले. मैम ये दो क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करते थे जो उनको ज्वाइन करने के लिए. वेरी गुड. हम उनको ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. इसको हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं और हमें काफी डिटेल में इसको डिस्कस किया था. अब हम इसको ब्रीफली भी देख लेते हैं. प्रीवियसली जो हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन देखे हैं वो एज अ कोऑर्डिनेशन के सेंस में यूज हो रहे होते हैं विद इन योर एग्जाम्पल्स. एंड मूविंग फर्दर वी हैव अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन. एंड व्हाइल डिस्कसिंग अबाउट द सबऑर्डिनेटिंग, can anybody tell me what is meant by the subordinate? Subordinate का क्या meaning होता है? वैसे generally हम इसका meaning देखें तो क्या मतलब होता है इसका? किसी को नहीं पता? Subordinate होता है किसी के मातहत होना, किसी के under काम करना. Subordinate होता है, ठीक है? He is subordinate me. सबऑर्डिनेट अगर कोई आपके अंडर काम कर रहा होता है, ठीक है? तो जब आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आप यूज करते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमने प्रीवियसली भी इसको डिस्कस किया था कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हम डिपेंडेंट. अब हमने ये देखा कि यहाँ पे दो क्लॉजेस होंगी, ठीक है? यहाँ पे दो क्लॉजेस होंगी, एक डिपेंडेंट होगी और एक इनडिपेंडेंट होगी. डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है? दैट नीड्स सम अनदर स्टेटमेंट, दैट नीड्स अनदर एक क्लॉज in order to convey its complete meaning. Otherwise, if you have a dependent clause but you don't have an independent, then the sense of the message which you want to convey is not going to complete. So dependent clause is always dependent upon the independent clause in order to convey its sense. And dependent clause is what? Dependent one is a subordinate one that needs एक dependent. आप depend जो कर रहा होता है किसी के ऊपर तो वो अपनी need के लिए depend कर रहा होता है ना. और यहाँ पे dependent clause की क्या need है? कि उसको अपना meaning convey करना है. So subordinating conjunction जो होगी that is used basically connects independent. Subordinating conjunction connects dependent clause with the independent clause. And clause is what? किसी को भी नहीं आ रही मैम. आ रही पहले नहीं आ रही. तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बेसिकली कनेक्ट्स द डिप विद द इंडिपेंडेंट क्लॉज.
और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करते हैं अपने डिपेंडेंट क्लॉज के साथ ही, ठीक है. एंड ठीक हो गया. तो इसके लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को आप पहले भी डिटेल में थे तो ब्रीफली एक दफा करते रहते हैं. मुझे एक मिनट हो में आई मैम एग्जांपल बता. क्लियर आ रही है सबको? यस मैम. यस मैम. यस मैम. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगी वो आपका एक सबऑर्डिनेट के तौर पे रोल प्ले कर लेंगी या कंपैरेटिव सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कर लेंगी, ठीक है. वो किस पे डिपेंड नहीं कर रही है. फिर लेटिंग कर रही है. आवाज नहीं आ रही. आ रही मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. अच्छा रुको 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 मैम काफी आज के लिए. अब बताओ आई काफी नहीं है. अब बताओ आवाज आई है? यस मैम आई है. यस मैम. मैम तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होगी वो एज अ सबऑर्डिनेट रोल प्ले कर रही होगी, एज अ डिपेंडेंट रोल प्ले कर रही होगी कंपैरेटिवली टू द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होगी वो कोऑर्डिनेट कर रही होती है विद इन द सेंटेंस, वो डिपेंड नहीं कर रही होती. बट जो आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है वो डिपेंड कर रही होती है. सो जो आपकी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगी ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है विद इन योर एग्जाम्पल. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती है. द वेरी फर्स्ट फंक्शन इज दैट इट हाइलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज. इट हाइलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज बिकॉज उसकी इंपॉर्टेंस को इंडिपेंडेंट क्लॉज की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करती है ना. बिकॉज अगर आपकी आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है ही नहीं है तो हाउ द डिपेंडेंट क्लॉज विद द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज गोइंग टू और यू कैन से is going to explain you the meaning, is going to tell you the meaning of that particular statement. So it highlights the importance of independent clause, that how independent clause is very very important with the subordinating conjunction. Okay, second function which of the subordinating conjunction is that it acts as a transition between two ideas. It acts as a transition between two ideas in the same statement. In the same statement, it act as a transition. जो कि जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ये transitional devices होती हैं ना, इनको हम transitional devices भी कहते हैं, ठीक है? हम इसको discuss कर चुके हैं पहले as a subordinating conjunction. समझ आई सबको? मैम repeat करते हैं. repeat करते हैं. मैं रिपीट कर देती हूँ. आपका जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है ये दो इम्पोर्टेंट फंक्शंस को रोल प्ले करती है. अभी यहाँ तक समझ आई डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट तक की? मैम रिपीट कर. यस मैम. डिपेंडेंट क्लॉज जो होती है, डिपेंडेंट क्लॉज जो होती है वो डिपेंड करती है इंडिपेंडेंट के ऊपर, क्योंकि उसका अपना एक पर्टिकुलर मीनिंग क्लियर नहीं होता है, ठीक है. और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है उसका अपना एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है. फॉर एग्जाम्पल वी विल हैव अ पिकनिक टुमारो अनलेस इट रेन्स. वी विल हैव अ पिकनिक टुमारो अनलेस इट रेन्स. दिस इज द स्टेटमेंट. एंड हियर यू हैव द फर्स्ट क्लॉज इज व्हाट? We will have a picnic tomorrow. This is a sentence which is giving you the complete sense. We will have a picnic tomorrow. It does not depend upon any other statement or clause in order to complete its meaning. We will have a picnic tomorrow unless it rains. Do you think that unless it rains is complete in its sense or it needs something more? Yes, ma'am, incomplete. ये इनकम्प्लीट है ना. अनलेस इट रेन्स इज व्हाट? अनलेस इट रेन्स
it needs some more statement. So we will have a picnic tomorrow unless it rains. Unless it rains is a dependent one, while that we will have a picnic tomorrow is an independent one. ठीक है? So in this way, आप subordinating conjunction यहाँ पे use किया. कौन सा subordinating conjunction use किया यहाँ पे? Unless. और unless क्या describe कर रहा है यहाँ पे? Exactly, very good. Reason को discuss कर रहा है, ठीक है? So there are many types of subordinating conjunction और हम इसको detail में कर चुके हैं पहले. हम इसको comparison के लिए use करते हैं subordinating conjunction जब हम दो statement में comparison को discuss कर रहे होते हैं, ठीक है? हमने पहले डिटेल में किया, इसलिए मैं ब्रीफली इसको दोबारा बताती चाहती हूँ. कंपैरिजन के सेंस में जब हम यूज करते हैं, कौन मुझे बताएगा कि जब हम कंपैरिजन के सेंस में यूज करते हैं तो कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करते हैं जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं? देन. वेरी गुड. सो मोर देन, एज वेल एज. रादर देन. As well as तो use करते हैं ना similarity के लिए. Like as. As like. Okay. So then. ठीक हो गया. Then rather such than as. Whether as such as whereas ये हम comparison की sense में use करते हैं, ठीक है? जब हम को subordinating का junction use करते हैं within your statement. The very first point is comparison. जब हम comparison कर रहे होते हैं दो statement में, जब हम subordinating conjunctions ये use करते हैं, फिर हम time को भी discuss कर रहे होते हैं. When while discussing the time, हम subordinating conjunction use करते हैं, like before, after, as soon as, until, whenever, now. ये सब क्या refer कर रहे हैं? Time को refer कर रहे हैं, ठीक है? After the class, I will eat my lunch. After the class, I will eat my lunch. So, ये after यहाँ पे क्या refer कर रहा है? After is a time. That is very good. Very good. That is a subordinating conjunction which is used for in order to describe the time. Then we have the concession. Then we have concession. Concession को समझने की ज़रूरत है. Concession होता है जब आप कोई ऐसा एक्शन डिस्क्राइब कर रहे हो जो के बगैर किसी हर्डल के, जो के बगैर किसी ऑब्स्टिकल के परफॉर्म हो रहा हो. कोई भी ऐसा एक्शन जो के बगैर किसी हर्डल के या बगैर किसी ऑब्स्टिकल के परफॉर्म हो रहा हो, तब हम यूज करते हैं कंसेशन वाले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. और वो जो कंसेशन वाले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो हो सकते हैं ऑल्दो, एज दो, इवन दो, ठीक है? हर्डल के स्पाइट ऑफ द फैक्ट, इस फैक्ट के अलावा, ठीक है? दो, एज दो भी आप यूज करते हैं जब आपको व्हेन यू आर गिविंग अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ समथिंग, देन यू विल यूज द एज दो. फर्दर आप इवन दो भी यूज कर सकते हैं. इवन दो का मीनिंग भी सेम है कम एज विद ऑल दो, डिस्पाइट द फैक्ट, In spite of the fact, जब आप even though या although या as though आप use करते हैं. और ये आप तब use करते हैं जब आप कोई ऐसा action describe कर रहे होते हैं that performed or that took place without any obstacle or without any hurdle, ठीक है? Moving further, then we have a relative pronoun. हम relative pronoun को भी as coordinating. हम इसके कोई example जैसे मैंने आप लोगों को फर्स्ट एग्जांपल जब हम इसका इंट्रोडक्शन दे रहे थे तब मैंने आप लोगों को इसकी एक एग्जांपल दी थी. दो शी स्टडीड हार्ड शी कुड नॉट गेट फर्स्ट पोजीशन. दो शी स्टडीड हार्ड शी कुड नॉट गेट फर्स्ट पोजीशन. एक प्लेन सा कंट्रास्ट प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है? बट एक रिजल्ट आगे डिस्कस हो रहा है, ठीक है? दो शी स्टडीड हार्ड शी कुड नॉट गेट फर्स्ट पोजीशन, ठीक है? So, ये आप कंसेशन की सेंस में यूज करते हैं. एक कंसेशन हम वो भी देखते हैं ना जब आप फ्री कंसेशन की एक एप्लीकेशन लिखते होते थे. कंसेशन का क्या मीनिंग होता है? जैसे आप मार्केट जाएं तो आप कहें इसमें कंसेशन करते हैं, ठीक है? तो उसका मीनिंग होता है कि आप उसको थोड़ा लाइटर वे में ले आए. तो जहाँ पे हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात करेंगे तो तब आप कंसेशन द
that any action that took place without any obstacle, ठीक है, although हो गया, as though हो गया, even though हो गया, जब हम आप subordinating conjunction के sense में use करते हैं, then आपके आ जाता है relative pronoun, ठीक है, आपका relative pronoun आ जाता है, you will also use relative pronoun as a subordinating conjunction within your statements, and who is going to tell me by raising your hands? Who is going to tell me what is meant by this relative pronoun? We have discussed it in detail previously. Hurry up. Ji Kiran. Ma'am, ये pronoun होता है जो दो classes को आपस में join करने के लिए इस्तेमाल होता है. That is used to join and further it also create a relation between the statement. हाँ जी मुनीबा. Ma'am, it is used to link one phrase or clause with another phrase or clause. Exactly, it is used to link. It acts as a relation between the statement. That's why aap relative pronoun use karte hain. And tell me, what are the relative pronouns? What are the relative pronouns? One by one. Who, whoever, whom, whose, these are the relative pronouns जो के आप as a subordinating conjunction भी use कर सकते हैं and I am giving you the description and all of you will make an assignment by giving me by making the examples of this subordinating conjunction ठीक है further आप use करते हैं then fourth point the fifth point is reason आप subordinating conjunction as a reason भी use करते हैं अब रीजन के लिए कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज होते हैं जब आप रीजन को डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज हो गया कंसीक्वेंटली हो गया और ऐसे ही बता दो अनटिल अनलेस और कौन से Since हो गया, so हो गया, hence, वो भी तो हम use करते हैं, therefore हो गया, जी जी, hence, yes, hence भी reason को discuss करता है, very good, in order to, so ये वो हैं जो कि reason को discuss करते हैं और reason means to say it or in order to give answer to the question, ठीक है? तब आप subordinating conjunction use करेंगे, further आपको जो पिछले notices के दिए हैं, वो भी खोल देख देना एक दफा. Sixth point is condition. जब आप कोई condition discuss कर रहे होते हैं, तब भी आप subordinating conjunction use करते हैं. Condition में आ जाता है आपका Okay, so I was on the point of the condition, ठीक है? Six one is condition. जब आप किसी चीज की मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है.
जब आप कंडीशन को यूज करते हैं, कंडीशन डिस्कस कर रहे होते हैं किसी चीज की, तब आप इफ यूज करते हैं, प्रोवाइडेड दैट, अनलेस यूज करते हैं, ठीक है. जब आप किसी चीज की कंडीशन को डिस्कस कर रहे होते हैं, फर्दर आप जब प्लेस को भी हमने देखा था, जब हम किसी प्लेस को डिस्कस कर रहे होते हैं, वेयर वेयर एवर, वी कैन ऑल्सो यूज देम एज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. हमने मैनर को डिस्कस किया था, मैनर की सेंस व्हाट इज मैनर आप तब यूज करते हैं व्हेन यू विल एक्सप्लेन हाउ दैट एक्शन हैज टेकन प्लेस, देन आप मैनर की सेंस यूज करते हैं. तो ये आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं जो कि आप अपनी स्टेट अपनी एग्जांपल्स में यूज करते हैं, अपनी स्टेटमेंट्स में यूज करते हैं इन ऑर्डर टू गिव फर्दर डिस्क्रिप्शन, इन ऑर्डर टू गिव फर्दर अंडरस्टैंडिंग. क्योंकि ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, ठीक है, सिमिलैरिटी को शो करने के लिए, कंट्रास्ट शो करने के लिए, कंडीशन को शो करने के लिए, कंपैरिजन को शो करने के लिए, टाइम को डिस्कस करने के लिए या रीजन को डिस्कस करने के लिए, ये भी अपना एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं विद इन योर रिटन एक्सप्रेशन. ठीक है, एक आपका सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट रोल होता है जो कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन रोल प्ले करते हैं. इज इट क्लियर टू यू एवरीबॉडी? इसकी भी एक एक एग्जाम्पल बना के आप मुझे फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है? ओके मैम. इज इट क्लियर? ओके मैम. यस यस मैम. एक कान से सुन के दूसरे कान से तो नहीं निकाल दिया? नो मैम. नो मैम. या एक कान से सुन के उसी से निकाल दिया, दूसरे को जहमत भी नहीं दी, ऐसा भी नहीं किया? नो मैम. नो मैम. एक कान से सुन के दूसरे कान को कर दिया? नो. अच्छा जी मैम. ठीक हो गया, गुड हो गया. अच्छा, सो दिस वाज द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. द थर्ड कैटेगरी, द थर्ड टाइप ऑफ द कंजंक्शन इज द कोरिलेटिव कंजंक्शन. कोरिलेटिव कंजंक्शन, ठीक है, कोरिलेटिव कंजंक्शन जो होता है वो हम पेयर्स की फॉर्म में आपकी कंजंक्शंस होती हैं, ठीक है, जो कि कनेक्ट करती हैं टू बैलेंस सेंटेंसेस को. हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में देखा बैलेंस सेंटेंस नहीं होता, क्योंकि आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और डिपेंडेंट क्लॉज होती है, बट जो आपकी कोरिलेटिव कंजंक्शन होती है उसमें आपकी बैलेंस टू बैलेंस क्लॉजेस होती हैं या टू बैलेंस फ्रेजेस होती हैं और टू बैलेंस वर्ड होते हैं जिसमें आप अपनी कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज करते हैं जो कि पेयर्स की फॉर्म में यूज होते हैं. पेयर्स की फॉर्म में जब यूज होते हैं तो दीज आर आइदर एंड और. द वेरी फर्स्ट वन इज आइदर, EIDHER, आइदर एंड और, जो कि मैंने आपको बता चुकी हूँ. जब आप प्राइस को डिस्कस कर रहे होते हैं, द वेरी फर्स्ट पेयर इज आइदर और, ठीक है. आइदर और को हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ. आई विल ईट आइदर फिश और आइदर चिकन फॉर लंच. I will eat either fish or chicken for lunch. यहाँ पे who is going to tell me, who is going to explain this example? I will eat either fish or chicken for lunch. Who is going to explain me this one? Shazmina. मैम यहाँ पे. जी जी बोलो. हरी अब शाजमीना. मैम हाँ? इसमें हम चिकन और फिश जो है वो चॉइसेस के तौर पे ले सकते हैं कि हम लंच में इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं. तो कोरिलेटिव कंजंक्शन हमने कौन से यूज किए? आइदर और फिश. आइदर और आइदर एंड और. ओके, पेयर की फॉर्म में हम यूज करते हैं विद इन द स्टेटमेंट एंड दिस एग्जांपल इज अ बैलेंस वन बिकॉज हियर वी डोंट हैव एनी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वन, ठीक है. फर्दर हम यूज करते हैं सेकंड कोरिलेटिव कंजंक्शन व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ पेयर इज बोथ एंड. बोथ एंड. द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट डील्स विद बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल अफेयर्स. द हेड ऑफ द कंपनी डील्स, or you can say the head of the institute or the owner of the institute deals with both external and internal affairs. Who is going to explain this one?
Who is going to explain this one? Muniba? Ma'am, here both and are correlative conjunctions, and it is used to say that they are used to for both purpose, external or internal. External and internal, ठीक है. और आप यूज करते हैं बच्चे जब आपके पास choices होती हैं, and आप तब यूज करते हैं जब आपने किसी एक चीज को पिक, जब आपने किसी एक को पिक करना होता है. External and internal, जब and यूज करते हैं तो means both are important, both are necessary. ठीक है. The head of the company deals with both external and internal affairs. Both and ये pairs की form में आप use करते हैं. ठीक है. And we are running out of the time. It's 3:31. We will discuss the remaining one in detail, and we will discuss them in detail, inshallah, in our next class. And I am going to send you the task for this one. ये जितनी भी हमने discuss की हैं, ठीक है? आप इसको मुझे as an assignment forward करेंगे. मैं जी forward कर देती हूँ, and then आप लोग उसकी assignment बना के while making one example आप forward करेंगे.